नगरोटा सूर्या में पोंग डैम के नजदीक पोंग क्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां पर देश विदेशों से आए पर्यटकों के लिए मिलेंगे लजीज हिमाचली पकवान। पोंग क्यू फैमिली रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, फिंगर चिप्स, स्टिकी नूडल, स्प्रिंग रोल, बर्गर इत्यादि का लुत्फ उठाइए। साथ ही पर्यटक पंचशील का सुंदर नजारा भी देख सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी की भी बुकिंग की जाती है। गाड़ियों के लिए स्पेशल पार्किंग भी उपलब्ध। तो जल्द आइए पोंग व्यू फैमिली रेस्टोरेंट नगरोटा सूर्या पोंग डैम के नजदीक। नगर पंचायत ज्वाली से अलग होकर नई पंचायत धन बनने से यहां के ग्रामीण फूले नहीं समा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक अर्जुन ठाकुर का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 9 ढन को पंचायत में तब्दील करने के लिए विधानसभा चुनावों में विधायक अर्जुन ठाकुर से गुहार लगाई गई थी। विधायक ने इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। इसके लिए ढनवासी उनका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि इस गांव के अधिकतर लोग बहुत ही गरीब हैं, जो कि नगर पंचायत का बोझ नहीं उठा सकते थे। इस दौरान सभी गाँव वासियों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो लोग मनरेगा पर डिपेंड करते हो, जहाँ की अधिकतर महिलाएं जो मनरेगा में काम करती थी सभी बेरोजगार हो गई हैं, और जो सुविधाएं उनको मिलती थी वो सभी से वंचित हो गए हैं। और आज जहाँ पर हमारे डन में ग्राम पंचायत बन गई है, सभी को खुशी की, सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ आई है। इन सब का श्रेय हमारे विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और हल करने का पूरी कोशिश की। और जो ग्राम पंचायत से खुश नहीं है वो नगर पंचायत में ही रह सकते हैं। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी और ज्वाली के विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जनता से जो वादा किया था कि हम नगर पंचायत ज्वाली से डन को तब्दील करके बाद पंचायत में बनाएंगे, वो हमने वादा पूरा करके दिखाया। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग अनुसूचित जाति के और गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, और नगर पंचायत बनने से इन लोगों में बहुत रोष था, क्योंकि जो सुविधाएं उनको ग्राम पंचायत में मिलती थी वो नगर पंचायत में नहीं मिल रही थी। अतः यहाँ के लोग दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह और भाजपा मंडल ज्वाली के मीडिया प्रभारी जितेंद्र सिंह की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।